हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं आरटीएम कंपाइलेशन प्रीलिम्स 2020 के लेक्चर नंबर 3 में। आपका स्वागत है और इसके अंदर इनसाइट आईएएस की जो भी रिवीजन थ्रू एमसीक्यू हम बात कर रहे थे तो उसको हम आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर आज हम देखेंगे डे 3 का मतलब 3 जनवरी के करंट अफेयर्स की जो भी एमसीक्यू निकल के आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहाँ पे होती जाएंगी। ठीक है, विदाउट एनी डिले चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 21st क्वेश्चन निकल के आया है, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए। आप चाहें तो इसे पॉज कर सकते हैं और पॉज करके इसको इसका आंसर आप मतलब देख कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अपलोड जो भी हो आप अपने नंबर यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि आप कितना सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं आफ्टर करंट अफेयर्स देखने के बाद। ठीक है, सो शी वॉज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंडिया फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न फेमिनिस्ट। किसकी बात की जा रही है आपको बताना है। ठीक है, हैड अ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन इन इंश्योरिंग द इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अंडर द ब्रिटिश राज। ठीक है, शी बिकम द फर्स्ट फीमेल टीचर इंडिया इन 1848। तो 1848 के अंदर ये पहली फीमेल टीचर यहाँ पे बनी थी, तो आपको बताना है ये कौन है। ठीक है, तो ये बताना है। ठीक है, और इन्होंने क्या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी इन्होंने ही सेटअप किया था, तो इनका नाम बताना है, इनका नाम क्या है। देखिए काफी न्यूज में रही, इनका नाम है सावित्री बाई फुले। ठीक है, तो इनके बारे में हम करंट अफेयर्स के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ एन आइडिया टू ब्रिंग द यूनिवर्सिटीज अंडर अ कंट्रोल लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड का जो कर्जन थे अपॉइंटेड रेलिक्स कमीशन के लिए जो अपॉइंट हुए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ, क्या ये सही है ये गलत है ये आपको बताना। ठीक है, फिर रेलिक्स जो कमीशन है नो इंडियन मेंबर, इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, क्या ये सही है गलत है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा निकल के आता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक 1904 फाउंडेड इट्स जेनेसिस इन रिलीज। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट से कोई भी करेक्ट कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट ये आपको बताना। वन ओनली, 1, 3, 1, 2 एंड 2 एंड। तो देखिए यहाँ पे बी जो स्टेटमेंट है इज अ करेक्ट है, 1 एंड 3 ओनली, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है इसके अंदर इंडियन जो थे लेकिन इंडियन की जो संख्या थी यहाँ पे नंबर्स ऑफ इंडियन जो है यहाँ पे कम कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश कंपनी हैड ओनली वन इंडियन मेंबर, सिर्फ एक इंडियन मेंबर थे, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो इसके अंदर जो है लॉर्ड कर्जन जब जब ये लॉर्ड थे तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, तो उस टाइम पे ये इन्होंने काफी बदलाव किए थे। ठीक है ना, बंगाल का विभाजन भी हुआ था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इनके बारे में आपको हिस्ट्री की बुक में जाके रीड करना है। ठीक है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा निकल के आता है लॉर्ड कर्जन से फिर से निकल आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो ऐसा इनमें से कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। ठीक है, अब से दिखाऊंगा आपको। तो कौन कौन से यहाँ पे रिफॉर्म हुए थे टेन्योर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पुलिस रिफॉर्म, क्या ये पुलिस रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, आपको बताना है, यस पुलिस रिफॉर्म तो हुआ था। ठीक है, हमें मालूम है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन गुवाहाटी, कि गुवाहाटी के अंदर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किया था। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो सेटअप हुआ था लेकिन गुवाहाटी के अंदर नहीं हुआ था, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, सेटिंग अप इंपीरियल कैडेट कोर्स, क्या इंपीरियल, जैसे मैंने बताया था ना आपको करंट सेक्शन करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स का सेक्शन, वहां हम डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसी चीज को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों चीज आपका कंपाइल होकर चल रहा है, तो बहुत ही अच्छे लेवल में आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प का सेटअप हुआ था क्या। हाँ, इंपीरियल कैडेट कॉर्प सेटअप हुआ। ठीक है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं द एंशियंट मोन्यूमेंट्स एक्ट पास हुआ था क्या। यस, एंशियंट मोन्यूमेंट एक्ट भी पास हुआ था 1904 में। आंसर हमारे क्या आएगा, 1, 3 एंड 4। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। देखिए जो हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ हुआ था, पूसा बिहार के अंदर हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली सॉरी पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो कौन कौन सा कमीशन आया था किसके टाइम पे, इस तरीके से क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स में पीछे भी गए हैं, तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। लेयल कमीशन, ठीक
लॉर्ड लैंसडाउन के, ठीक है, हंटर एजुकेशन कमीशन लॉर्ड कर्जन के, ठीक है, रिचर्ड ट्रेजरी कमीशन लॉर्ड का, तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, इसमें से कोई सभी स्टेटमेंट सही नहीं है, नन ऑफ द, ठीक है। अब देखिए हम ले ऑल कमीशन जो है लॉर्ड एल्गिन सेकंड, ठीक है, तो ये आपको अभी याद करना है, ठीक है, बैठ जाइए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी इस तरीके सेक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती जाती है आपके स्टैटिक पर्सन, देखिए करंट हम परमानेंट करंट के साथ हम स्टैटिक को कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, तो आपका स्टैटिक पर्सन भी कंप्लीट होता चलेगा, ठीक है। अपॉइंटेड द लेयर ले ऑल कमीशन टू लुक इन टू द इशू ऑफ फेमिन्स, ठीक है, जो फेमिन्स की इशू यहाँ पे अराइज होकर आ रहे थे उसके इशू के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया था, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर चंपैक ब्रदर्स एस एच टू ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हंटर एजुकेशन कमीशन यहाँ पे देखिए, द जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिक्वेस्टेड लॉर्ड रिपन, ठीक है, तो हंटर एजुकेशन कमीशन जनरल काउंसिल ऑफ लॉर्ड रिपन द विक्ट्री द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया टू इंस्टीट्यूट एंड इंक्वायरी ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन नाम आएगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। अपॉइंटेड द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑन 3 फरवरी 1882 में, ठीक है, विद सर विलियम हंटर एस एच चेयरमैन, सर विलियम हंटर चेयरमैन इसके थे, ये चीज आपको याद रखना है, इसलिए इसका नाम हंटर कमीशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो निकल के आता है वो यहाँ पे है लॉर्ड लिटॉन, तो रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन जो है 1880 में जो आया था वो उसके जो वो थे जिसको अपॉइंट किया गया था वो थे लॉर्ड लिटॉन, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड टू डेवलप जनरल स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिंसिपल टू डील विद द फेमिनिस्ट, इट वाज एडवोकेट फॉर फेमिनिस्ट कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द राज्यसभा द डिप्टी चेयरमैन हेड्स द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है, इन राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के अंदर द डिप्टी चेयरमैन हेड्स द कमिटी ऑफ द प्रिविलेजेस, क्या राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन होते हैं वो कमिटी के हेड होते हैं, प्रिविलेजियस कमिटी के हेड होते हैं, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या स्टेटमेंट आता है, स्पीकर और राज्यसभा चेयरपर्सन इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ रिलीजियस मोशन इन द इन दियर रिस्पेक्टिव हाउस, ठीक है, तो ये चीज बताना आपको, ठीक है, तो इसके अंदर दोनों सही है, बोथ वन एंड टू, ठीक है। द स्पीकर ऑफ राज्यसभा इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ अ रिलीज मोशन, पहला स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन तो होते हैं, द स्पीकर और चेयरमैन कैन डिसाइड ऑन द रिलीजियस मोशन हिमसेल्फ फॉर हर और रेफर टू रिलीज कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इफ द स्पीकर चेयरमैन गिव कंसेंट अंडर रूल 22(2) मेंबर कंसर्न गिव अपॉर्चुनिटी टू मेक अ शॉर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए प्रिविलेजियस कमिटी क्या होती है, पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए लोकसभा के अंदर द स्पीकर नॉमिनेट अ कमिटी ऑफ प्रिविलेजियस कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स एज पर द रिस्पेक्टिव पार्टी स्ट्रेंथ, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अ रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑफ इज कंसिडरेशन, द स्पीकर मे परमिट अ हाफ डिबेट वाइल कंसिडरिंग द रिपोर्ट, द स्पीकर मे then pass final order or direct then the report table before the house, okay. A resolution may be moved relating to the breaches of privileges that has been unanimously in the Raj Sabha the deputy chair, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, head the committee of privileges that consist of committee of privileges in the deputy chairman के जो करते हैं Raj Sabha के अंदर वहां पे 10 members होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया है रिसेंटली काला पानी टेरिटरी इशू यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो काला पानी टेरिटरी इशू के बारे में न्यूज में है काफी, तो इसके बारे में देखते हैं, द इशू इज बिटवीन इंडिया एंड किस किस के बीच का ये इशू है, इंडिया और नेपाल के बीच का इशू है, इंडिया बांग्लादेश के बीच का इशू है, या फिर इंडिया भूटान के बीच का इशू है, या इंडिया चाइना के बीच का इशू है, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच का इशू याद रखना, काला पानी टेरिटरी जो इशू है। देखिए आपको मैं बता दूं मैप के अंदर भी ये यहाँ पे काला पानी है, तो यहाँ पे ऐसा बात करिए यहाँ से रिवर जो निकली है तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया नेपाल और इंडिया के बीच में निकल के आ रहा है, ये उत्तराखंड है हमारा स्टेट, ठीक है, और ये नेपाल है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन में निकल करते हैं वे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, यहाँ पे कौन सा सही है मैच बताना, राफेल हम कहाँ से ले रहे हैं, क्या फ्रांस से ले रहे हैं, ग्रिपेन इसराइल से ले रहे हैं, क्या MiG-29 यूएसए से ले रहे हैं, क्या ये आपको यहाँ पे बताना है इसका आंसर, और दैट इज ओनली सेकंड, हम राफेल जो है फ्रांस से ले रहे हैं, लेकिन MiG-29 ये सारी चीज हम MiG-29 हम सोवियत यूनियन से ले रहे हैं, सॉरी MiG-29 सोवियत यूनियन का है और ग्रिपेन जो है स्वीडन का है, ठीक है, इसराइल का नहीं, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटे फैक्ट्स, ठीक है। ये जो निकल गया यहाँ पे रिसेंटली चियांग माई इनिशिएटिव हैज बीन सीन इन न्यूज समटाइम्स इज
प्लान में रिलेटेड टू। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि चियांग माई इनिशिएटिव किस चीज से रिलेटेड है, क्या ये कुछ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या न्यूक्लियर आर्म डील है, रिफॉर्म इन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये? तो ये देखिए यहाँ पे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। तो इस तरीके से आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि आप हर एक चीज को बिल्कुल रटते हुए बैठे। आपको जस्ट बता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे जीएस से सब्जेक्ट, तो जनरल नॉलेज हमारा जनरल स्टडी, हम चीजों के बारे में जनरली हमें पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या। ठीक ठीक है, तो चियांग माई इनिशिएटिव क्या है, सी एम आई जो है चियांग माई इनिशिएटिव इज ए मल्टी लेटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट अमंग द 10 मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द साउथ एशियन कंट्री। जो जो 10 मेंबर्स हैं साउथ एशियन कंट्रीज के, उनके बीच में है ये। ठीक है, पीपल एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकॉन्ग, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, एशियन के 10 मेंबर्स और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज चाइना, इंक्लूडिंग हांगकॉन्ग को भी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। ठीक है, जापान एंड साउथ कोरिया, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन हम क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। अब इसमें आपको बताना है कि क्या अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन कौन सा होता है, कोरोना, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, रेडिएशन रीजन। तो पहला है कोरोना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कोरोना ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इनर लेयर ये देखा है, फिर ये बांधना था रेडिएटिव जोन, फिर आता है कन्वेक्शन जोन, फिर आता है सब सरफेस जोन, फिर आता है फोटोस्फियर, फिर क्रोमोस्फियर, फिर देन कोरोना, कोरोना आता है। तो कोरोना इज द अपर मोस्ट लेयर होता है, फिर क्रोमोस्फियर, ऐसे याद रखिए कोरोना, फिर जैसे वायरस जो फैल रहा है जो बाहर से फैल रहा है ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, सो कोरोना, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, सब सरफेस जोन, ठीक है, कन्वेक्शन जोन, इस तरीके से आप ये चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 निकल के आया है वो है आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशन टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो आर्टिकल जो मैंने बताया था, आर्टिकल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए आप अगर रोज आर्टिकल को एक बार देखेंगे, रीड करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सारे आर्टिकल बाय हार्ट याद हो जाएंगे, आपको इतना एक आइडिया हो जाएगा किस आर्टिकल के अंदर क्या चीजें मेंशन है, क्या नहीं मेंशन है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है कि आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए, तो क्या ये सही है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद प्रेसिडेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू इंक्लूड इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एंट्री ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो क्या प्रेसिडेंट द्वारा अलोन ऐसी पावर होती है कि वो कर सके इंक्लूड करे एक्सक्लूड करे, तो ठीक है ये बताना है आपको। देयर आर प्रोविजन द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल का सपोर्ट इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या प्रोविजन ऐसी दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल का जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनका जो है रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हो? तो दैट इज द करेक्ट है ना, इसका आंसर जो है हमारा 2 एंड 3 है, सही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, 341 आर्टिकल ये चीज नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, आर्टिकल 341 क्या कहता है वो हम देखते हैं। आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशन मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशन टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 341। 341 के अंदर फर्स्ट लिस्ट इज शेड्यूल कास्ट इन रिलेशन टू द स्टेट यूटी एंड इशू नोटिफाई अंडर द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द कंकरेंट कंसर्न ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको 341 जाके रीड करना है, पढ़ना। ठीक है, आर्टिकल्स को रिजर्वेशन इज ओनली इन द लोकसभा। ठीक है, स्टेटमेंट जो 3 दिया है वो यहाँ पे ये है कि जो रिजर्वेशन होगा वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही होगा। ठीक है, ये चीज इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। और जो हमारा आरटीएम है 4 जनवरी का 2020 का जो है, हम आरटीएम जो देखने वाले हैं इसके देख लेते हैं फटाफट, आज 2 का कोशिश करते हैं कि कंप्लीट करने की। ठीक है, और फिर आगे भी हम कोशिश करेंगे कि 2 2 या 3 3 जो है डेज का कंसिडर करें जिससे हमारी फटाफट रिविजन कम्प्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द जनरल काउंसिल। जो आप देखिए फटाफट मैं स्पीड में थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे लूंगा, जनरल काउंसिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको बताना है कौन से इसमें से चाहिए। इसमें से जो है 2 एंड 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो 2 और 2 जो है यहाँ पे सही है। दे आर ओनली द डेलिबरेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी होती है। यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं चेयरमैन होते हैं आप सभी लोग जानते हैं इन सारी काउंसिल। जोनल काउंसिल स्टेचरी बॉडी नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, एस्टेब्लिश अंडर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971, ये चीज गलत दी गई। ठीक है, जोनल काउंसिल स्टेचरी ये क्या होती है, स्टेचरी बॉडी होती है, लेकिन एस्टेब्लिश अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जब स्टेट बना था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उस टाइम पे ये चीज को बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी। इसका एम क्या है, प्रमोट द इंटर स्टेट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ दीज
कौन से यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, इस तरीके से हमारा डिवाइड किया गया। ये देखिए आपको जो नॉर्थ एंड जोनल काउंसिल हो गई, हो गया ये सेंट्रल जोनल काउंसिल, हो गया ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल, हो गया ये वेस्टर्न, हो गया ये साउथर्न, हो गया इन सारे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं आपका स्टेट किस जोनल काउंसिल के अंदर आता है, कौन से स्टेट किस जोनल काउंसिल के अंदर आता है, एक बार ये सारी चीजें को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क यूसीसीएन से रिलेटेड है। तो यूसीसीएन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज लॉन्च इन 2004, ठीक है, टू प्रमोट द कॉपरेशन अमंग सिटीज विच रिकॉग्नाइज क्रिएटिविटी एज अ मेजर फैक्टर इन द अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, यूसीसीएन कवर द सेवन क्रिएटिव फील्ड, क्या ये सात क्रिएटिव फील्ड को कवर करता है? ठीक है, ये आपको बताना है कि ये 2004 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, और ये क्रिएटिविटी में देता है। ठीक है, नाम से समझ में आता है क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क, तो ऑब्वियस बात है अब ये क्वेश्चन तो गलत करके आ ही नहीं सकते। ठीक है, करेंटली देयर आर द 8 सिटीज इन द यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क। तो इंडिया के अंदर टोटल 8 क्या सिटीज हैं? ठीक है, तो देखिए इंडिया इतना क्रिएटिव स्टेट है तो 8 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है 1 एंड 2, बी आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नेशन का देख लेते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क यूसीजन वो क्रिएटेड 2004 में क्रिएट किया गया था। कॉपरेशन यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बात की गई थी। नेटवर्क जो कवर करता है यहाँ पे जो फील्ड्स हैं जैसे क्राफ्ट, फोक आर्ट, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, गेस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर और म्यूजिक, ये आपको नाम याद रखने हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फ्री में भी। ठीक है, एज अ नवंबर 2000 5 इंडियन सिटीज, ठीक है, टोटल अभी के अभी तक हमारी 5 सिटीज जो यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क के अंदर मेंशन है। ठीक है, वो आप सिटीज के नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 5 ही हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। जयपुर क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट 2015 में, ठीक है, फिर वाराणसी आ जाता है क्रिएटिव सिटी म्यूजिक 2015, देन आता है चेन्नई आ जाता है, मुंबई आ जाता है, मुंबई देखिए फिल्म के लिए है तो आप ये तो याद भूल ही नहीं सकते। ठीक है, और इसके बाद मुंबई हो गया हमारा फिल्म के लिए, हैदराबाद गेस्ट्रोनॉमी के लिए हो गया, चेन्नई जो हमारा हो गया क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, और वाराणसी आप याद रख सकते हैं बिल्कुल कि 2015 में क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, यहाँ पे जयपुर क्राफ्ट प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फेम सेकंड स्कीम जो है, फेम सेकंड स्कीम एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ठीक है जी, इसके बारे में आपको बताना है। द आउटलेट इज 20,000 करोड़ हैज बीन मेड फॉर 3 ईयर टिल 2022 द फेम सेकंड स्कीम। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, यस ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन जो प्लान है, जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह की, उसकी तरफ ये पार्ट। और इसकी स्कीम के अंदर 20,000 करोड़ नहीं, यहाँ पे कितना दिया गया है टोटल फंड जो है स्कीम के अंदर 10,000 करोड़ रुपीज दिया गया है। तो कभी कभी इस तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये चीज भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 10,000 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट अप अ न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजीज टेक्नोलॉजी डिविजन टू डील विद द स्क्रूटनी इम्प्लीमेंटेशन 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे बात कर हो रही है 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री द्वारा, तो मिनिस्ट्री आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आप ऐसे चीजों को याद रखें कि हम ये जो नई नई टेक्नोलॉजी कहाँ से लेके आ रहे हैं, बाहर से लेके आ रहे हैं, एक्सटर्नल से लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, MEA सेटअप अ न्यू इमर्जिंग स्टडी 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, नेक्स्ट नाम से आपको ये चीज याद रखनी है, न्यू एंड इमर्जिंग स्टडी टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन जो होता है, मेंशन द न्यू इट इज फ्रॉम द रिपोर्ट एबिलिटी टू सी विदाउट आइज, क्या ये बिना आंखों के देखने वाली एबिलिटी, द एबिलिटी टू रिजॉल्व द स्क्रीन विदाउट डिस्प्लिट आइज, ठीक है, एबिलिटी टू रीड टू डिटेक्ट कलर इन द डार्क एंड रियर फिंगरप्रिंट ऑल द अबव, तो डी है करेक्ट आंसर में ऑल द अबव। ठीक है, तो इस तरीके से वो आप इसमें क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना आइज के डिटेक्ट कलर डिटेक्ट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट फिनोमेना सारी चीजें उसके अंदर आती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, साइबर सेफ वुमेन जो है इनिशिएटिव जो है 36 क्वेश्चन में हम चल आ चुके हैं। तो साइबर सेफ वुमेन आपको इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किस स्टेट के द्वारा, तो ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, साइबर सेफ वुमेन इस तरीके से जो वेरियस जो स्कीम्स होती हैं आप बिल्कुल रेट करती हुई चाहिए। मैं आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूँ कि मैं
कोशिश करूंगा प्रीलिम्स से पहले पहले कि मैं आप लोगों के लिए सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के भी कोशिश करेंगे हम करने की। ठीक है, तो आपको बस शेयर करना, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जरूर इसको प्रीवियस ईयर के भी बनाऊंगा। ठीक है, जितने भी दिसंबर और नवंबर अक्टूबर जितने भी मंथ हो गए हैं, जून से लेकर अभी तक 1 साल के करंट अफेयर्स को मैं बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करूंगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज करेक्टली मैच, यहाँ पे बताना कौन से यहाँ पे करेक्टली मैच है। कंदंगी सारी जो है यहाँ पे देखिए, और पटोला सारी कहाँ से है, ठीक है, कंजीवरम सारी कहाँ से, गामुशा कहाँ से है, देखिए ये चीज हमने वहां पे डिस्कस भी की थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु से है और ये आसाम से है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, डिंग ड्यूल लॉक इन द कंडली सारी जो है जी आई टैग दिया गया रजिस्ट्री चेन्नई 2019 में। ठीक है, तो द फेमस डिंग ड्यूल लॉक, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अननोन थ्रू ऑफ द वर्ल्ड द सुपीरियर क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी मच इवन सिटी इज कॉल्ड द लॉक सिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है साड़ी के बारे में। पटोला साड़ी कहाँ से है, गुजरात से, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, पटोला साड़ी गुजरात की साड़ी है। ठीक है, कंचीपुरम जो सिल्क साड़ी है वो तमिलनाडु की है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कौन सी साड़ी कहाँ जीआई टैग मिला है वो चीज याद रखती जा सकते हैं। ठीक है, गमोशा जो साड़ी है वो आसाम की है और आसाम का जीए टैग इसको दिया गया है। ठीक है, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए बड़ा सा लंबा क्वेश्चन, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, और संस्कृत प्ले के बारे में यहाँ पे डिफरेंस जिनकी वगैरह है, तो मरीचक्का टीका जो ऐसा है तो संस्कृत नाम है यहाँ पे, तो ये देखिए द प्लेस सेट विद द एंशिएंट सिटी ऑफ उज्जैनी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द किंग पलाक नियर द एंड ऑफ प्रद्योत डायनेस्टी। तो डायनेस्टी नाम एक बार आप देख लीजिएगा, मेड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 5th सेंचुरी प्रेजेंट हिस्ट्री द नोबल इंप्लीमेंट यंग ब्राह्मण हु फॉल्स इन लव विद द वेल्थी कॉर्टेसियन नगर वधु। ठीक है, तो ये ऐसी बात हो रही है। ठीक है, डिस्पाइट दियर म्यूचुअल अफेक्शन हाउ द कपल लीव एंड लव आर थ्रेटन बेन अ वल्गर कॉर्टियर समस्त का बिगन टू एग्रेसिवली परस्यू वसंत सेना। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। एक बार देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इस तरीके से इतना घुमा फिर के इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, तो जो इस तरीके से आएंगे मैं आपको बताता चलूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे निकल के आया वो है रिसेंटली महाजन कमीशन रिपोर्ट है। देखिए अब कुछ कोई भी रिपोर्ट अगर होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या ये बेलगम बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, क्या ये महादाई रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट से रिलेटेड है, क्या कालापानी टेरिटरी डिस्प्यूट से रिलेटेड जो अभी हमने बात करी थी, क्या ये मुजफ्फरपुर कम्युनल रिवर्ट से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, बेलगम बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो महाजन कमीशन रिपोर्ट दैट इज रिलेटेड टू बेलगम बॉर्डर डिस्प्यूट। द कमीशन इज हेडेड बाय द 3 चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मेहर चंदन चंद महाजन। ठीक है, तो महाजन ने कर रहे हैं। ठीक है, तो कमीशन अपॉन द रिव्यू द महाराष्ट्र क्लेम रिकमेंडेशन द एक्सचेंज ऑफ सेवरल विलेजेस बेलगम डिस्ट्रिक्ट, कहां पे है ये, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, बिटवीन द 2 स्टेट बट रिजेक्ट महाराष्ट्र क्लेम ऑन बेलगम सिटी। ठीक है, द फॉलोइंग आर द समरी ऑफ द महाजन कमेटी रिपोर्ट। आप देखिए महाजन कमेटी की रिपोर्ट कभी अगर लिखने को आ गई, कभी आप चाहें तो उसको मेन साइंस राइटिंग में मेंशन करने के लिए, तो वहाँ ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं कि वेलकम टू कंटिन्यू द कर्नाटका अराउंड 247 विलेज प्लेस इंक्लूडिंग चार्ट, इस तरीके से आप ये सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 40 क्वेश्चन के अंदर। हमारे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू एलिफेंटा कैप्स, तो आपसे जो आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एलिफेंटा केव्स के बारे में बताना है, ये क्या है, किस सारी चीजें इसके बारे में, तो 3 स्टेटमेंट दी है, इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए पहली स्टेटमेंट दी गई है एलिफेंटा केव्स कंटेन रॉक्स कट स्टोन स्कल्पचर दैट शोस द सिंक्रेटिज्म ऑफ हिंदू बुद्धिस्ट आइडिया ऑफ आइकोनोलॉजी आइकोनोग्राफी। ठीक है, और हिंदू क्या यहाँ पे हिंदू बुद्धिस्ट दोनों के हैं क्या। एलिफेंटा केव्स वे डिजाइन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो इसको डिजाइन किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, द त्रिमूर्ति इज कंसिडर्ड एज द मास्टर पीस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कल्पचर इन द केव। त्रिमूर्ति इसके अंदर इम्पोर्टेंट है एलिफेंटा केव्स के अंदर, तो ये आपको बताना है। तो ये ऐसी 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। तो एलिफेंटा एंशियंटली नोन एज गारापुरी, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। द आइसलैंड कैपिटल ऑफ द
कोंकण मयूरास, ठीक है, सेलिब्रेटेड द सकोसल इमेजेस महेश मूर्ति, ठीक है, रिप्रेजेंट द डिफरेंट फॉर्म द एलिफेंटा कैन सर्व द ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द विसिनिटी ऑफ द मुंबई मेट्रोपोलियंस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द केव टेम्पल डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा, तो यहाँ पे शंकर भगवान को यहाँ पे डेडिकेट करते हुए एक्सकेबेटेड 8 सेंचुरी की रेंज के अंदर, ठीक है, महेश मूर्ति सारी चीजें। अब वर्ल्ड साइट को अंदर केव कॉम्प्लेक्स स्टेटस दिया गया है, ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी यहाँ पे इनको मिला है, ठीक है। चलिए हम हमारे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं, और 7 जनवरी का करंट अफेयर्स के जो भी हम ये सारी चीजें हैं उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो अंडर द आर्टिकल 29 इंक्लूड द राइट टू माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड चिल्ड्रन ऑफ, देखिए डायरेक्ट आर्टिकल 29 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और आर्टिकल 39 30 पूछा गया है। जैसे कि मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि आर्टिकल जो हो जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, जस्ट लक्ष्मीकांत उठानी है और सभी आर्टिकल्स को एक एक बार दो दो बार आपको रीड करते हुए चलना है। आप एक बार रीड करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा सही हमारा, तो यहाँ पे डी, नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड, ठीक है। तो आर्टिकल 30 ग्रांट्स क्या करता है, फॉलोइंग राइट ऑफ माइनॉरिटी वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, यहाँ पे यहाँ देखिएगा आर्टिकल 30 के अंदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया गया है। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद देयर चॉइस, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। द कॉम्पेंसेशन अमाउंट गिवन गिवन बाय द स्टेट फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन फॉर एनी प्रॉपर्टी ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशन स्टूडेंट शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द एब्रोगेट द राइट टू गारंटी टू देम, ठीक है, तो प्रोविजन वाज एडेड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इस तरीके से ये प्रोविजन को ऐड किया गया है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन दिस रिगार्ड, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अंडर द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31, ठीक है, राइट टू जो है एक्ट जो है डिलीट कर दिया गया था, इसके तहत हमने ये 1978 में ऐड किया, ठीक है। तो ऐड वगैरह की सारी चीजें हमने देख ली, आर्टिकल 29 हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडर द राइट 30 के अंदर ऑल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पैक्ट एजुकेशन विद चिल्ड्रन विद देयर ऑन लैंग्वेज, तो अपने ही लैंग्वेज में जो भी उनको लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में चाहे तो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सकते हैं, ये माइनॉरिटी के जो है उनका अधिकार होता है, राइट होता है, ठीक है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ऑन शैल हैव अ राइट टू कंजर्व द सेम, तो उसे अगर कोई भी इस तरीके से सिटीजन रेसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया है, याद रखिए यहाँ पे सिटीजन को वर्ड दिया गया है नॉट द पीपल, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्दर नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ओनली रिलीजन रेस कास्ट और लैंग्वेज, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल, तो आपको बताना, देखिए यहाँ पे इंडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि 8th शेड्यूल जो है हमारा है, तो 8th शेड्यूल के अंदर क्या दिया गया है, लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मेंशन है, तो आपको बताना है कि कौन सी चीज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश, तुलु, उर्दू या नेपाली, ठीक है, आपको इसमें से बताना है क्या इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आपको बताना ए जो है इसका करेक्ट आंसर, मतलब दैट इज इंग्लिश और तुलु को ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड नहीं किया गया, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको ये बतानी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइए, वैसे तो ठीक है देयर, यहाँ पे देखिए हम बताइए 22 लैंग्वेज विच आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल आर आसामी, बंगाली, बोडो, दोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोनाकी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ठीक है, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, ठीक है, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। अब देखिए काफी लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, तुलु तो ठीक है इंग्लिश के लिए काफी कंफ्यूज होंगे, तो इंग्लिश को भी एक्सेप्शन केस है, आपको याद रखना है तुलु और इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, आर नॉट लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा निकल के आया है वो है तुलु लैंग्वेज इज अ मोस्टली रिटन यूजिंग द कन्नड स्क्रिप्ट, ठीक है, अब देखिए तुलु लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या ये किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, कन्नड स्क्रिप्ट में, यस, तो ये हमारा सही है, ठीक है। तुलु इज अ प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज इन सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड गोवा, क्या ये कर्नाटक और गोवा में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, तो
हम देखते हैं नहीं, ये कर्नाटका वो बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, ठीक है, आप लोग सेंसस जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 2011 और 2011 का सेंसस, दोनों सेंसस को एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। टूली स्पीकिंग पीपल आर लार्जर इन द नंबर देन स्पीकर फॉर मणिपुरी और संस्कृत, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। तो हमने चीज देख ली कहाँ कहाँ क्या कैसे, सेंसस के अनुसार जो है यहाँ पे कुछ नेटिव स्पीकर्स इसके दिए गए हैं, ठीक है। अगर ये मेन सेंसस राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं कि मोर देन 18,000 या इस तरीके से मोर देन 1 लाख, ठीक है, 18 लाख से ज्यादा लोग हैं तुलु लैंग्वेज स्पीक करते हैं, इस तरीके से आप सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, नेट स्को फैन क्या है। देखिए अब इस तरीके से पूछा जाता है कि क्या क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ये फैमिली रिलेटेड टू, यहाँ पे पूछे गया किस चीज से रिलेटेड है, ये किस चीज से रिलेटेड है, अ नेटवर्क ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वर्क इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो एक नेटवर्क यहाँ पे बनाया गया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के जो वर्क कर रहे हैं किस फूड एरिया में, फूड और न्यूट्रिशन के एरिया में, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए, नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक कॉपरेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन। अगर आपको ये चीज पता होगी, आप देखिए इसको लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो अगर आपको फुल फॉर्म याद रहेगी तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 8 ग्रुप यहाँ पे बनाए गए हैं, इसमें से डिफरेंट एरिया के अंदर बायोलॉजिकल जैसे को हो गया, केमिकल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, लिविंग फूड हो गया, एनिमल ओरिजिन हो गया, फूड ऑफ प्लांट्स ओरिजिन हो गया, वाटर वेबर्स, फूड टेस्टिंग, ठीक है, सेफर सस्टेनेबल पैकिंग, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विदाउट एनी डिले द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, तो ये चीज के बारे में आपको बताना है क्या है, कैसे क्या है, तो इसके बारे में चलिए हम देख लेते हैं। तो इट विल बी सेट ऑफ सैटेलाइट दैट विल ट्रैक सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडियन सैटेलाइट। ये क्या है, एक सैटेलाइट है जिससे जो ट्रैक करेगा, चेक ट्रैक करेगा, सेंड इनिशिएटिव रिसीव इंफॉर्मेशन टू सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट से, ठीक है। तो यस, इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। IDRSS यहाँ पे दिया गया है, इसका फुल फॉर्म है IDRSS, तो सैटेलाइट 2000 kg का। देखिए ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आप याद रख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप रीड कर लेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, फायदेमंद होगा। लॉन्च फॉर ऑन द GSLV लॉन्चर लो अर्थ ऑर्बिट में क्या ही लॉन्च होगा, किस तरीके से फर्स्ट काइंड ऑफ ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं IDRSS प्लान ट्रैक कॉन्स्टेंटली टच विद द इंडियन सैटेलाइट इन पर्टिकुलर टू द लो अर्थ ऑर्बिट व्हिच हैव लिमिटेड कवरेज ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये याद आपकी आपको याद रखनी है, ठीक है। IDR सैटेलाइट 2000 kg क्लास वुड लॉन्च ऑन द GSLV लॉन्चर ड्यू सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड 36,000 किलोमीटर अवे, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, NDRF फंडामेंटल मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, NDRF फंड्स आर पार्ट ऑफ द कंटिजेंसी, NDRF के बारे में आपको बता रहा है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। तो क्या है ये, कैसे है, आपको ये चीज बताना है, ठीक है। NDRF फंड जो है मैनेज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओपीएससीआरए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मेंज होता है, यस इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें, NDRF फंड आर अ पार्ट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो क्या ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का पार्ट है, कैप्ट एज अ रिजर्व फंड नॉट बियरिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। NDRF अमाउंट कैन बी स्पेंड ओनली टुवर्ड मीटिंग द एक्सपेंस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आप जैसे मैंने, अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद है तो आप ये वाला तो बिल्कुल गलत करके नहीं आ सकते, आप तो पता ही, देखिए अगर आपके 3 सही हो गए, लेकिन 1 this 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 ऑल ओवर, देखिए 3 तो सब में आ रहा है लगभग लगभग, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो मतलब 3 तो सही ही है, ठीक है। करंटली अ नेशनल कैलेमिटी, ठीक है, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी कंटिजेंसी ड्यूटी NCCD इज लेवाइड टू फाइनेंशियल फाइनेंस द NDRF, ठीक है। तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर 4 अगर सही है, तो अगर आपको 4 पता है, 4 सही, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, अगेन सही है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डाला, ठीक है, लोकेटेड इन द पब्लिक अकाउंट्स में होता है, ठीक है, नॉट कंटिजेंसी फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रिजर्व फंड नॉट बियरिंग इंटरेस्ट, ठीक है, नेशनल कंटिजेंसी फंड। ये चीज आपको याद रखनी है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड करेक्टली मैच, यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच है। फेस्टिवल जो है यहाँ पे फेस्टिवल दिया गया है, यहाँ पे स्टेट दिया गया है, जैसे कि मैंने ये डिस्कस किया था करेंट अफेयर्स के अंदर भी, ठीक है। मंडू जो है मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है क्या, ठीक है, धनु जात्रा जो है उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है क्या,
लई हरा बुल हराबो हराओबा त्रिपुरा के अंदर है, जो कुटु पुई मणिपुर के अंदर है। तो इस तरीके से आपको बताना है इसका आंसर जो है सी है, 2, 3 एंड 4 करेक्ट है हमारा, 2, 3 एंड 4 ये करेक्ट है, ऊपर वाला जो है मणिपुर वाला करेक्ट नहीं। ठीक है, फेस्टिवल हम देख रहे हैं, जू कुटू पुई फेस्टिवल जो है मिजोरम में मनाया जाता है, नॉट मणिपुर, याद रखिएगा मिजोरम है, एम सही है, पर जू कुटू पुई फेस्टिवल मिजोरम के अंदर है। लई हराओबा फेस्टिवल जो है त्रिपुरा के अंदर है, धानु जात्रा फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर है, बंडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, ऑरेंज फेस्टिवल यहाँ पे होता है मणिपुर के अंदर, देखिए मणिपुर के अंदर ऑरेंज फेस्टिवल होता है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे वेरियस फेस्टिवल दिए गए हैं जो न्यूज पर है, तो आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं आप चाहें तो, और इसको बिल्कुल याद कर लीजिए आप। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फेस्टिवल जो है, देखिए छोटे छोटे फेस्टिवल है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो। देखिए अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही तो मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा एक टेक्निक बताता हूँ, आपको करना यह है कि सारी फेस्टिवल को एक एक बार सर्च करना है, इसकी फोटोज को देखना है। जब आप इनकी फोटोज को एक बार देख लेंगे, और मेघालय जैसे कि नोकरेम डांस फेस्टिवल जो है मेघालय के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर फ्लेमिंगो फेस्टिवल है, ठीक है, आसाम के अंदर बिहू फेस्टिवल है, ठीक है, मेला खीर भवानी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है, छठ फेस्टिवल बिहार के अंदर ज्यादा मनाया जाता है, ठीक है, बाली यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है, संगाई फेस्टिवल मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, तो आपको कभी नहीं भूलने वाला। ठीक है, अब हमारे पास 2, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, यहाँ पे देखते हैं, अ लार्ज बर्ड विथ अ हॉरिजेंटल बॉडी एंड अ लॉन्ग बियर लेग, दिस बर्ड इज अमंग द लेवियस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड, वंस कॉमन ऑफ द ड्राई प्लेन। यहाँ पे बर्ड्स के बारे में दिया गया है कि कौन सी बर्ड है आपको बताना है। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड है ये आपको ही बताना। ठीक है, दीज वर्ड्स आर ऑफन फाउंड एसोसिएटेड इन द सेम हैबिटेट एज ब्लैक बग, तो इनका इनका जो हैबिटेट है वो ब्लैक बग के हैबिटेट से लगभग लगभग सेम है। ठीक है, और लार्ज बर्ड विद हॉरिजॉन्टल बॉडी, ठीक है, लार्ज बर्ड है, थोड़ी सी बड़ी बर्ड है, ये आपको बताना है कौन सी बर्ड है ये। ठीक है, लॉन्ग बियर लेग्स रहते हैं, दिस बर्ड इज अमॉन्ग द हैवीएस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, वंस कॉमन ऑन द ट्राई प्लेन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अ फ्यू 150 इंडिविजुअल वेयर एस्टिमेटेड टू सर्वाइव 2018, रिड्यूस फ्रॉम एस्टिमेटेड टू 50 इंडिविजुअल इन 2011। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको कि इनकी जो संख्या है लगभग कम हो रही है, क्रिटिकली एंड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहे हैं। देखिए ये आपको एक नए तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक कुछ स्टेटमेंट द्वारा आपको बर्ड पहचानने के लिए पूछा जा रहा है, पहले ऐसा दिया जाता था कि कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कौन सा ये है, अब आपको कुछ हिंट्स दे दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे बर्ड है, तो यहाँ पे कौन सी है, GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बर्ड कौन सी है हमारी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देख लेते हैं, IUCN इसका स्टेटस जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है ये, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, ये याद रखना, लिस्टेड कहाँ है ये, शेड्यूल वन के अंदर जो है ये लिस्टेड है। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड CMS कन्वेंशन एंड अपेंडिक्स वन ऑफ साइट। ठीक है, आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पे देख लीजिए, डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान, ठीक है, रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड जो एरिया है आप इसके नाम याद रख सकते हैं। देखिए लोग बोलते हैं कि यार कितनी सारी ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें याद नहीं हो पाती है, हम कैसे याद करें, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती, तो अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ कि आपको किस तरीके से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करके याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो वो इसके लिए एक तरीका है, अगर आप वो यूज करते हैं, वो तरीका को यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको जरूर वो सारी चीजों को फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ पे देखिए आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रोलापाडू वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है इज अ प्राइमली अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम विथ मिक्स फॉरेस्ट एंड थ्रोनी बसेस, तो देखिए ये जो सेंचुरी है इसके अंदर जो ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है विद अ मिक्स फॉरेस्ट और थ्रोनी बसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, हैज बीन न्यूज इन सम टाइम, यहाँ पे न्यूज में देखिए कहाँ पे है ये आपको बताना, तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर। आप लिस्ट बना लीजिए स्टेट्स के, ठीक है, सभी स्टेट के अंदर मैप बना लीजिए, एक मैप उठा के लेके आइए, उसके अंदर जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो भी इस तरीके से नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, उन सबको मेंशन करते जाइए और एक एक बार दो दो बार रीड करते जाइए, आपको याद हो जाएगी। ठीक है,
जो भी न्यूज में जैसे आ रही है कि जैसे आप मैप लेके बैठ जाइए और एक कॉपी पेन लेके बजाइए, और जब भी इस तरीके से न्यूज में आए आप उसको तुरंत मेंशन कर दीजिए, एक दो बार आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रोलापाडू वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है आंध्र प्रदेश के अंदर है, नोन एज अ प्राइमरी हैबिटेट फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो जीआईबी के लिए जो प्राइमरी हैबिटेट देखने को मिलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द प्राइमरी प्राइमरली अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम विद अ मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड थ्रोनी बेसिस, कॉटन, टोबैको, सनफ्लावर आदर कल्टिवेटेड इन द एग्रीकल्चर लैंड दैट बॉर्डर एंड सेंचुरी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीएस इज अ करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, जहाँ पे स्ट्रेट्स दिए गए हैं। इस तरह से काफी ज्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, मतलब हर साल ही इसी क्वेश्चन आना संभव है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, आप क्या करना है, आपका होमवर्क है कि सारे स्टेट को मैप में जाके एक बार देखना है। यहाँ पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आपको ये मैप में जाके देखना है। ठीक है, तो बताना है युकाटैन स्ट्रेट जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी के बीच में है क्या, इन दोनों को मिलाता है क्या। ठीक है, आप फिर आपको बताना है मिशियाना स्ट्रेट जो है टीरियनियन सी और अनोनियन सी के बीच में है क्या। ठीक है, बोस्फोरस स्ट्रेट जो ब्लैक सी और मरमारा सी के बीच में क्या। ठीक है, और ट्रेंटा स्ट्रेट एरिस सी और अटलांटिक ओशन के बीच में क्या, ये आपको बताना। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो बी है 1, 2 एंड 3। ठीक है, लास्ट वाला नहीं, ये तीनों सही है हमारे। ठीक है बी। अब देखिए यहाँ पे आपको मैप के थ्रू, सारे मैप के थ्रू हालांकि दिखाई रहा हूँ, यहाँ पे युकाटैन स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी। ठीक है, युकाटैन ये देखिए ये हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक यहाँ पे देख लीजिए गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ये हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। ठीक है, और ये हो गया कैरियन सी है। ठीक है, ये हो गया कैरियन आइलैंड हो गया, ये कैरिबियन सी हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में यूकैटन चैनल यहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये स्टेट आपको याद रखने। देखिए आप यहाँ पे इसके इसके यहाँ पे देखिए और देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसको, यहाँ पे देखिए अटलांटिक ओशन यहाँ पे है और गल्फ ऑफ मैक्सिको दोनों को इंक्लूड कौन कर रहा है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, आप जो बोले थे इस तरह की लेक्चर लेके आइए, देखिए सारी चीज यहीं पे कवर हो रही है। ठीक है, तो अगर आप लोग अलग से चाहते हैं तो आप वो भी बता दीजिए, वो भी हम ला सकते हैं। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे देखिए वर्ल्ड डेटल एटलस है, टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रहा है, तो ये चीज भी आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको से। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको तो रहेगा, जियोर्जिया, फ्लोरिडा, यहाँ पे कुछ देशों के नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मेसियन स्ट्रेट जो है मेसिना स्ट्रेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए मेसिना स्ट्रेट है, ये सिलिका होगा, ये कैलेब्रिया हो गया। ठीक है, और टायरिनियन सी हो गया, ये हो गया सी, और आयोनियन सी हो गया। आयोनियन सी और टायरिनियन सी को जो मिलाता है ये, देखिए ये पल्लवीय जुड़ाई होती है, ये क्या है, मेसिनिया। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, आप कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, न्यूज में रहती है इसलिए पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आध बार पूछी भी गई है, प्रीलिम्स में कई बार आ चुकी है हालांकि बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो क्या ये ब्लैक सी और मरमरा सी को मिलाती है, देखिए सी ऑफ मरमरा ये रही और ब्लैक सी ये रहा, और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो यस, ये बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है ये सी ऑफ मरमरा मरमारा और ब्लैक सी को दोनों को मिलाती है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एजियन सी, यहाँ पे देखिए एजियन सी है, देखिए सी ऑफ मरमारा के ऐसा पूछ सकते हैं कौन कौन सी कंट्री रहती है, कौन कौन सी, देखिए एशिया यहाँ पे हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया, यहाँ पे देखिए टर्की हो गया। ठीक है, यहाँ ब्लैक सी के पास जो हो गया, यहाँ पे इस तरीके से कंट्री के नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और ट्रेंटो स्ट्रेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ट्रेंटो स्ट्रेट देखिए आपको तुरंत याद करना है, आपको ये चीज क्या करना है, मैप में सर्च करना है, अभी आप खुद सर्च की, यहाँ पे तो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको मैप में के अंदर भी इसको सर्च करना है और साथ में इसको लिखना भी है और फिर इसको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो पक्का है कि इससे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप धीरे धीरे याद करते हुए चलेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे सारे स्ट्रेट को। ठीक है, और ट्रेंटो स्ट्रेट जो हो गया एडिटेरियन सी और आयनोनियन सी, जैसे कि अभी आयनोनियन सी हमने देखा था, देखिए ट्रेंटो
टायरियन सी और आयोनियन सी की यहाँ पे बीच में हमने देखा था, ठीक है, कौन सी सी थी ये, देखिए मिसियन हमें अभी डिस्कस किया। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। फिर आप हम एड्रियाटिक सी की बात करते हैं और आयोनियन सी, तो ये जो सी आ जाता है और ट्रेंटो सी और ट्रेंटो स्ट्रेट आ जाता है, ये जो स्ट्रेट है हमारा और ट्रेंटो स्ट्रेट है, यहाँ से एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को मिक्स मिलाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, यह गल्फ ऑफ ट्रेनेंटो है, ठीक है। अब इसके आसपास के एड्रियाटिक का भी क्वेश्चन आ सकता है, एड्रियाटिक सी के जो आसपास कंट्रीज उसके नाम बताइए। देखिए ये इटली हो गया एड्रियाटिक सी के आसपास, ठीक है, ये जो हो गया क्रोटो हो गया, गैब्रिया हो गया, ठीक है, ये बोस्वानिया हर्जियोन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कंट्रीज के नाम भी यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया, चलिए काफी टाइम हो गया तो हम आज यहीं तक रखते हैं, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे और ज्यादा डिस्कस करने की, तो हम कोशिश करेंगे फटाफट आपके जनवरी मंथ का कोशिश करेंगे, हफ्ते भर के अंदर एक वीक में हम कोशिश करेंगे एक मंथ का जो भी हमारा एमसीक्यू है उसे हम कवर कर लें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देखिए हमारा एक समर्थन कीजिए, समर्थन कीजिए और बस इसको बढ़ाना है, आप लोगों को फैलाना है हर जगह, जो जिससे लोगों की हेल्प हो जाए। सबसे पहला मोटिव तो हमारा एजुकेशन है, लोगों की हेल्प करना है, जो ये सारी चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जो इतनी ज्यादा फीस है, उन सारी चीजों को, इसीलिए हम ये सारा इनिशिएटिव लेके आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प हो पाए, ठीक है, और स्मार्ट वे में स्टडी हो पाए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, आप लोगों के कमेंट आना बहुत कम हो गए हैं, तो आपसे गुजारिश रहेगी तो आप पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए, ठीक है, जिससे यही सारा आपके कमेंट्स और आपका शेयर जो है, शेयर जो आप करते हैं वही हमारा मोटिवेशन बनता है, वही हमारा एक तरीके से एनर्जी का काम करता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।